जय हिंद, वेलकम टू विदित एजुकेशन गाइस। एक सबसे बड़ा टॉपिक है फाइन महाराष्ट्र अप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट सीईटी, फाइन आर्ट सीईटी को लेके कि कैसे होगा जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में सिलेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने कुछ पॉइंट्स फिगर आउट किए जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, और अगर ये स्टूडेंट इस पे काम कर लेना तो डेफिनेटली स्कूल जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में सिलेक्शन होता है। गाइस, जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स ना एक अपना ही ब्रांड लेवल कैरी करता है। आई विल शो यू द कैंपस आल्सो कि कैसे होता है क्या कैसे चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं स्टूडेंट को, इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और 24 के लिए बैचेस लॉन्च हो गए 2024 के लिए, इसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, ईबुक, मॉक टेस्ट, डाउट क्लास, एग्जाम टू एडमिशन कंप्लीट गाइडेंस मिलने वाला। सो जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर 9987338335, और यू कैन आल्सो विजिट टू आवर वेबसाइट viditeducation.com गाइस। एंड गाइस, दिस इज द जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स, ओके, ये ही है। यहाँ पे ही सभी स्टूडेंट को जाना रहता है। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू कॉलेज और बहुत फेमस कॉलेज है। ये अपना एक ब्रांड लेवल कैरी करता है। तो क्या क्या चीजें जरूरी है, कैसे होगा सिलेक्शन, इसके बारे में जो पॉइंट्स है ये जरूर आप इस पे इम्प्रूव करिएगा तो ही आपको सिलेक्शन मिलेगा। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज कि इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। आपका जो आर्ट वर्क है और आपका जो एग्जामिनेशन का टाइम है वो आपका मैच नहीं हो रहा है। आप आर्ट वर्क बनाने के लिए 4 घंटे 5 घंटे ले रहे हो, कलरिंग बहुत अच्छे से कर रहे हो, बट 4-5 घंटे का एग्जाम ही गाइस आपका, डेढ़ घंटे का आपका मेमोरी ड्राइंग है, 1.5 घंटे का आपका डिजाइन प्रैक्टिकल है, 1 घंटे का आपका ऑब्जेक्ट ड्राइंग है, तो 4 और 1 घंटे का जीके है, 5 घंटे का आपका एग्जाम है। और आप एक आर्ट वर्क बनाने के लिए 5 घंटे नहीं ले सकते, 4 घंटे नहीं ले सकते। सो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्रिपेयर करना है। सो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज रिगरस वर्क ऑन आर्ट वर्क। आपका जो आर्ट वर्क है वो उस पर वर्क करना है एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इज बैलेंस और प्रिपरेशन विद 12th बोर्ड। बहुत सारे स्टूडेंट 12th बोर्ड में हुए होते हैं और तो बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट सीईटी के लिए दोबारा तो रिपीट भी करते हैं, तो आपको बैलेंस करना है। हाँ, जेई नीट के जैसा ये डिफिकल्ट एंट्रेंस नहीं है, बट इसमें आपको आर्ट वर्क पे इम्प्रूव करना है। रिगरस आपको कंटिन्यूसली आर्ट वर्क को प्रैक्टिस करना है एंड कोचिंग से गाइडेंस लेना है कि कैसे आपको आर्ट वर्क इम्प्रूव किया जाए। हमारा जो स्ट्रैटेजी रहता है वो कम्प्लीटली एग्जाम के ऊपर रहता है। से एग्जाम में आपको कैसे प्रिपेयर करना है, एग्जाम में कैसे आपकी हेल्प होगी, क्या आर्ट बुक चाहिए, मेमोरी ड्राइंग, ऑब्जेक्ट ड्राइंग, डिजाइन प्रैक्टिकल, जीके, सारी चीजों के ऊपर ना। नेक्स्ट इज प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू एग्जाम, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ आर्ट वर्क। आपके आर्ट वर्क पे मत करो, मेमोरी ड्राइंग में क्या पूछा है, डिजाइन प्रैक्टिकल में क्या पूछा है, ऑब्जेक्ट ड्राइंग में क्या पूछा है और जीके में क्या पूछा है, इसके बेसिस पे ही आपको प्रिपेयर करवाएंगे हम लोग। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्टूडेंट इन्हीं पॉइंट्स का ध्यान नहीं रखता है, आर्ट वर्क पे काम ही नहीं करता है, अपने ही लगा पड़ा है, स्केचेस बना रहा है। अरे स्केच बनाने को वो आपके करिकुलम में जो 4 साल का आपका बीएफए का कोर्स है उसमें काम आएगा, इसमें नहीं। एग्जाम एक अलग तड़का है, अलग फ्लेवर होता है एग्जाम का। सो यू नीड टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट। आई होप आपको सारी चीजें समझी रहेगी। और कुछ भी डाउट है या बैचेस ज्वाइन करने तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक भी दिया हुआ है, चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।